हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे लिप केयर रूटीन। अगर आपकी लिप्स बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, लिप्स के ऊपर डार्कनेस है और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे लिप केयर रूटीन स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। और मेरे जो लिप्स था 3 मंथ्स या फिर 3 to 4 मंथ्स पहले बहुत ज्यादा पिगमेंटेड था, और अभी आप देख पा रहे हो मैंने लिप्स में सिर्फ जो है लिप बाम अप्लाई किया है और मेरे लिप्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। बहुत हद तक डार्कनेस चला गया है, बहुत हद तक जो पिगमेंटेशन है उसको रिमूव मैंने कर लिया है। अक्सर क्या होता है गाइस, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स के जो कलर है वो इवन नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की अपर लिप्स जो है बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। अगर आपकी लिप्स बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है तो आप वीक में इसको 2 टाइम्स फॉलो कीजिएगा, और अगर आपके लिप्स में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो आप इसको 1 टाइम फॉलो कर सकते हो। इसका रिजल्ट आपको 15 डेज में मिल जाएगा गाइस। कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी होम रेमेडीज 1 दिन पे आपको रिजल्ट नहीं देगा, उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कम से कम 15 डेज तो आपको फॉलो करना ही होगा, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम इसको फॉलो करोगे ना, तब आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट दे देगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो इसके जो रिजल्ट है बहुत अच्छे से आएगा, आपके जो पिगमेंटेड लिप्स है बहुत अच्छे से वो ठीक हो जाएगा। सो गाइस, डार्क लिप्स या फिर पिगमेंटेड लिप्स, ड्राई लिप्स के बहुत सारे कारण होते हैं। हम लोग ठीक तरीके से टेक केयर नहीं करते हैं, मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, स्क्रब नहीं करते हैं, और हम लोग बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हैं। अंदर से बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, स्किन के लिए, हेयर के लिए, लिप्स के लिए, बॉडी के लिए। तो इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अच्छे से आपको पानी पीना है दिन में, और लिप बाम यूज करना होगा आपको मॉइस्चराइज रखने के लिए लिप्स। लेकिन लिप बाम में SPF होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, धूप की वजह से भी हम लोग के लिप्स जो है डार्क हो जाते हैं। आप जो दिन भर खा रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं आपकी लिप्स के डार्कनेस एंड पिगमेंटेशन जो है। तो जो डेली हम लोग खाते हैं डाइट, उसको भी आपको मेंटेन करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव एंड चीप क्वालिटी की कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं लिप्स में, उसके कारण से भी लिप्स बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं गाइस। सो और स्मोकिंग के कारण से भी बहुत ज्यादा लिप्स डार्क हो जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे रीजंस है जिसके कारण से हम लोग की जो लिप्स है वो डार्क, ड्राई एंड पिगमेंटेशन हो जाते हैं, पैची हो जाता है लिप्स के जो स्किन है वो बहुत ज्यादा खराब लगता है दिखने में। अगर आप इसको अवॉइड करोगे ना, लिप्स के कलर बहुत अच्छा आएगा, लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रहेगा गाइस। और आज के जो प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ वो फीमेल या फिर मेल बोथ फॉलो कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं आपके पिगमेंटेड लिप्स को ठीक करने के लिए। सो गाइस, ये वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा हो गया इंट्रो एज ऑलवेज। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साइड पे एक बेल आइकन आएगा उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी आप मेरे पास नोटिफिकेशन जा सके। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बिफोर लुक दे रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे जो लिप्स है बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, और ये जो आप देख पा रहे हो ना पिगमेंटेशन लिप के साइड पे, ये बहुत ज़्यादा था पहले। मैंने जब से स्टार्ट किया है लिप केयर करना तब से ये थोड़े थोड़े करके रिड्यूस हो रहा है, और ये मेरा प्रेजेंट लिप्स है। तो आपको मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ, आप जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लिप्स के साइड पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, मेरे अपर लिप्स में थोड़ा सा डार्कनेस है। तो ख़राब हाल है, लेकिन इसको अगर मैं कंटिन्यू लिप केयर करूँगी तो ये भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, और वो है लिप स्क्रब। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की चॉकलेट लिप स्क्रब। इसका क्वांटिटी जो है वो है 8 ग्राम, और इसका प्राइस है 125 रुपीज़। ये मैंने पर्पल से परचेस किया है। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये अफोर्डेबल है, साथ ही साथ बहुत ही गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैं गुड वाइब्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इससे पहले मैं गुड वाइब्स की जो लेमन स्क्रब है वो भी मैंने ट्राई किया है, वो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे चॉकलेट लिप स्क्रब
ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप रेडीमेड लिप स्क्रब पसंद नहीं करते हो तो आप DIY चॉकलेट लिप स्क्रब भी बना सकते हो। इसके लिए आपको लगेगा क्रश्ड शुगर, उसके साथ मिक्स करना है कोकोआ पाउडर या फिर कॉफ़ी पाउडर, और साथ में आपको ऐड करना है आलमंड ऑयल। उसको मिक्स कर लीजिए और जो चॉकलेट लिप स्क्रब है वो रेडी हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा DIY लिप स्क्रब यूज़ कर चुकी हूँ पहले, अभी भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आज के वीडियो में मैं ये जो लिप स्क्रब है इसे मैं यूज़ करूँगी। और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके लिप्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा, और इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा है गाइस। अभी मैं क्या करूँगी, फिंगर के हेल्प से इसे अप्लाई करूँगी और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में इसे स्क्रब करूँगी 2-3 मिनट्स के लिए। लिप स्क्रब करने से क्या होता है, आपके जो क्रैक्ड चैप्ड लिप्स है वो ठीक हो जाता है, लिप्स में जितना डैमेज है वो रिपेयर हो जाता है, लिप्स रिजुविनेट हो जाता है, आपके लिप्स हाइड्रेट हो जाते हैं, अच्छे से डेड स्किन सेल्स जो है वो एक्सफोलिएट हो जाते हैं। और स्क्रबिंग से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, इससे कि जो लिप्स है वो हेल्दी दिखते हैं और लिप्स के जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है गाइस, पिंकिश रेडिश कलर आ जाता है। आप देख सकते हो मैंने स्क्रब कर लिया है और अभी मैं इसको रिमूव कर लूँगी। रिमूव करने के बाद आप देख पा रहे हो कि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, और लिप्स के जो कलर है वो बहुत हद तक चेंज हो गया है। सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है लिप मास्क, और उसके लिए फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट लगेगा वो है टर्मरिक। टर्मरिक के अंदर ना हीलिंग प्रॉपर्टीज है जो आपके क्रैक्ड लिप्स को, ड्राई लिप्स को ठीक करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ लिप्स के पिगमेंटेशंस एंड डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करने में बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। तो मैं 1/2 टीस्पून टर्मरिक ले लूँगी, उसमें ऐड करूँगी हनी जो कि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है गाइस। लिप्स को मॉइस्चराइज बनाने में, लिप्स को सॉफ्ट बनाने में, सपल बनाने में हनी बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो मैं 1/2 टीस्पून हनी ऐड करूंगी और लास्ट में मैं ऐड करूंगी लेमन। आप सभी जानते हैं लेमन जो है ना नेचुरल लाइटनिंग एजेंट है जो डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशंस को लाइटन करने में, लिप्स को पिंक बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो मैं 2-3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं गाइस, 2-3 ड्रॉप्स आपको लेमन ऐड करना है और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको फिंगर के हेल्प से अपने पूरे लिप्स में अच्छे से थिक लेयर में इसको अप्लाई करना है। अप्लाई हो जाने के बाद इसको आप 10-15 मिनट्स के लिए ड्राई होने दीजिए, और ड्राई हो जाने के बाद सॉफ्ट वेट आपको टिश्यू के हेल्प से इसको रिमूव करना है, और रिमूव करने के टाइम पे थोड़ा सा आपको मसाज करते हुए इसको रिमूव करना है। सो गाइस नेक्स्ट जो स्टेप है ये है ऑप्शनल, ये लिप मास्क है, और इसको मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जब कोई ओकेशन होता है, स्पेशल डे होता है, उस दिन मैं स्किन केयर के साथ इसको भी अप्लाई कर लेती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, क्योंकि ये जो है ना ये लिप्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखता है, लिप्स को बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनाते हैं गाइस। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा क्रैक्ड है, चैप्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट दिखने में है ये मास्क, लिप शेप में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है लिप्स के ऊपर, और इसको अप्लाई करना भी बहुत ही आसान है। हम लोग जैसे शीट मास्क यूज़ करते हैं फेस के ऊपर, सेम वैसे ही ये है, आपको इसको निकालना है और लिप्स के ऊपर इसको अप्लाई करना है, 10 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ देना है और 10 मिनट्स के बाद इसको रिमूव कर देना है। ये वन टाइम यूज़ के लिए है गाइस, इसको आप फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हो। और इसको रिमूव करने के बाद मैं थोड़ा सा मसाज कर लूँगी, और मसाज करने के बाद आप देख सकते हो मेरे जो लिप्स है पहले से ज़्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और वो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, लिप्स को मॉइस्चराइज रखना। उसके लिए आप कोई भी डिब्बा यूज़ कर सकते हो, आप वैसलिन यूज़ कर सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब घर पे रहती हूँ मैं वैसलिन ही अप्लाई करती हूँ, और कभी कभी मैं रेडीमेड लिप बाम भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ अलाना की, और ये चॉकलेट लिप बाम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट लिप बाम, चॉकलेट लिप स्क्रब, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी पूरे लिप्स में। ये थोड़ा सा थिक लिप बाम है, अगर आपको थिक लिप बाम पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। वादी की लिप बाम भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही अच्छा है। गुड वाइब्स की बहुत सारे लिप बाम आता है, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज जो अप्लाई कर रही हूँ इसमें SPF नहीं है, अगर आपको SPF लिप बाम चाहिए तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो यस, मैंने लिप बाम को अच्छे से पूरे लिप्स में अप्लाई कर लिया है, और ये मेरा फाइनल लुक है गाइस। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और आप शेयर भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ,
रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय।